सब्सक्राइब कीजिए सुनीता राघव रसोई को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनीता राघव रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रगड़ा पैटीज। 2 कप सूखे मटर लिए हुए हैं हमने, जिसको हमने रात भर पानी में भिगो के रखा। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी, आधा छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे और पानी डाल देंगे। 1 से 2 कप पानी डालेंगे। गैस को ऑन कर देते हैं। अब हम इसमें 5 से 6 सीटी धीमी आंच पर लगाएंगे। पैन गरम हो गया है, 1 चम्मच तेल लिया है हमने। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा को हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 कटा हुआ प्याज। दोनों को हम भून लेंगे। प्याज भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और स्वादानुसार नमक, और साथ में ही डाल देंगे हम हरा धनिया। इन सबको हम धीमी आंच पर थोड़ा सा भून लेंगे। मसाला भुन गया है, आंच को कर देंगे हम बंद। अब हम इसको डालेंगे आलूओं में। 4 उबले आलू लिए हैं, जिनको हमने मैश कर लिया। इसमें मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब हम इसकी टिक्की बनाते हैं। इसी तरह बाकी टिक्कियां भी हम बना लेंगे। सारी टिक्कियां बन गई हैं, अब हम इनको धीमी आंच पे सेकेंगे। पैन गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा तेल लिया हुआ है हमने। अब हम इसमें टिक्कियां डालेंगे। 2 से 3 टिक्कियां डालेंगे हम एक बार में, इसको सेक लेंगे दोनों तरफ से। टिक्कियां दोनों तरफ से सेक गई हैं, इसी तरह बाकी टिक्कियां भी हम सेक लेंगे। 1 चम्मच इमली का रस डालेंगे इसमें, मिक्स कर देंगे और मटर को चमचे से मैश कर देंगे। चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। अब हम टिक्की रख देते हैं। ऊपर से रगड़ा और डालेंगे, अच्छी तरह से कवर कर देंगे।
अब हम डालेंगे चटनी, इमली और खजूर की मीठी चटनी। धनिया पुदीना की चटनी, प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च कटी हुई और साथ में डाल देंगे धनिया। अब हम डालेंगे आलू भुजिया, आप नायलॉन सेब भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से डाल देंगे, ऊपर से हम चटनी और डाल देंगे। प्याज, हरा धनिया। लीजिए, तैयार है रगड़ा पैटीज। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।